हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम धम्मपद की जानकारी लेने वाले हैं। धम्मपद में जो क्या क्या हमें नेट के लिए सिलेबस आया है, अभी हम वो देखने वाले हैं। यमक वग्ग, अपमाद वग्ग और चित्त वग्ग, ये हमें नेट के लिए, पाली लैंग्वेज के लिए धम्मपद के तीन वग्ग आए हुए हैं। तो अभी हम तीन वग्ग का स्टडी करेंगे। पहला वग्ग है यमक वग्ग, धम्मपद का फर्स्ट वग्ग है यमक वग्ग। यमक वग्ग में कहा गया है, मनो कुबग्मा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख व मन्वेति चक्कम एव वहतो पदम। इस तरह से हमें कुछ एग्ज़ाम में जब हमें पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये मनोसिट्ठा मनोमया ये कौन से गाथा का है, कितवें नंबर की गाथा है या कौन से वग्ग में आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें आंसर चार होंगे कि ये यमक वग्ग में आता है या ये फर्स्ट गाथा का, यमक वग्ग का पहला लेसन है। तो ऐसे ऐसे हमें पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा के लिए, आज तक वैसे ही पूछे गए। तो हम सब देखने वाले हैं कि कैसे कैसे आगे यमक वग्ग में कौन सी गाथा आती है, इसका हम स्टडी करेंगे। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखें तो, मन सभी धर्मों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे लगता है, जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। ये हिंदी अनुवाद है। और दूसरी गाथा है, दो नंबर की गाथा, मनोपुबग्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन। देखो यहाँ पे पदुठेन आया है फर्स्ट गाथा में, और दूसरी गाथा में प्रसन्नेन, सिर्फ यही फर्क है। भासति वा करोति वा ततो नम सुख मन्वेति, आगे ये दुख मन्वेति आया है और यहाँ पे सुख मन्वेति छाया व अनपायन। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में चक्क एव वहतो पदम, और यहाँ पे छाया व अनपायनी, मतलब मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रख कर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे आता है जैसे जो हमारे संग रहने वाली छाव होती, छाव जैसे हमारे पीछे आती है धूप में, वैसे ही सुख हमारे पीछे आता है। तीसरी गाथा है, अखोचीमम अवधीमम अजीनीमम अहासिमी एचतम उपनयंती वेरम तेसम न सम्मति। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अखोचीमम अवधीमम अजीनीमम अहासिमे एचतम उपनयंती वेरम तेसु पसम्मति। मतलब मुझे कोसा, मुझे मारा, सेम वही है, सिर्फ यह क्या है कि उनका वैर शांत होता है, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस है, ऊपर नहीं जाती है और नीचे अनुपर नहीं जाती है, ऐसे दिया है चौथी गाथा में। अभी हम पांचवी गाथा देखेंगे कि नहि वेरेन वेराणि सम्मन्ति ध कुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तनो। ये पांचवी गाथा है, मतलब यहाँ कभी भी वैर शांत नहीं होते बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धम्म है। छठवीं गाथा है, परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, जो इस जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। सातवीं गाथा है, शुभानुपस्सी विहरन्तम् इंद्रियेषु असम उतम भोजनम्मी चामतयुम कुसितम हीन वीरियम तम वे पसहती मारो वातो रुखम दुब्बलम। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखते,
विहार करने वाले इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन कोमार ऐसे सतत सताता है जैसे दुर्बल वृक्षों को पवन या हवा। आठवीं गाता है, अशुभानुपस्सिम विहरंतम इंद्रियेषुम सुसमूतम भोजनम मीच मतयुम सद्धम आरद्ध वीरियम तम्वे नप्पसहति मारो वातो सेलम सेलवम पब्बतम। अशुभ को शुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में संयमी, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत कुमार इसी प्रकार नहीं डिग सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। नवी गाता है, अनिक सावकाशावम योवत्थम परिदहिष्यति अपितोदमसच्चेन नसो काशाव मरहति। जिसने काशायों का परित्याग नहीं किया है पर काशाय वस्त्र धारण किए हुए है वह संयमी और सत्य से परे है। वह काशाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। दसवीं गाथा है, योच वंत कसावस्स शीलेषु सुसमाहितो उपेतोदमसच्चेन सवे काशाव मरहति। जिनके काशाय को निकाल कर, मतलब काशाय मतलब चित्तमल को निकाल बाहर किया है, शिलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह काशाय वस्त्र का अधिकारी है। असारे सारमतीनो सारे चा सारदस्यनो ते सारम नादिगच्छन्ति मिच्चा संकप्प गोचरा। मतलब जो निस्सार, उस्सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों का सार प्राप्त नहीं होता। बारहवीं गाता है, सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और निसार को सार, निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। तेरहवीं गाता है, यथा अगारम दुच्छनम उठी समति विज्यति एवं अभावितम चित्तम रागो समिति विज्यति। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। चौदहवीं गाता है, यथा अगारम सुच्छनम यथा अगारम सुच्छन्नम उठी न समति विज्यति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विज्यति। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता वैसे ही शमत और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। पंद्रहवीं गाता है, इद सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्त सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्मिकी लिट्ठमत्तनो। यहाँ शोक करता है, मरणोपरांत शोक करता है, पाप करने वाला दोनों जगह शोक करता है, वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन्न होता है या संतापित होता है। इध सोलहवीं गाता है, इध मोदति पेच्च मोदति कतपुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। यह मतलब यह इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत होता है या मरणोपरांत मरने के बाद प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है, वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। सत्रहवीं गाथा है, इध तप्पति पिच्च तप्पति पापकारी उभयत्त तप्पति पापम में कतंति तप्पति भीय तप्पति दुगतिम गतो। यह मतलब इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक संतप्त होता है, पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है, मैंने पाप किया है इस चिंतन से संतप्त होता है,
दुर्गति को प्राप्त होकर और भी संतप्त होता है। 18वीं गाथा है, इध नंदती पेच्च नंदती कतपुय्यो उभयत्त नंदती। पुय्यम में कत कतंति नंदती भीयो नंदती सुगतिम गतो, मतलब यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर आनंदित होता है, पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है, मैंने पुण्य किया है इससे, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। 19वीं गाता है, बहुम पीछे सहितम भासमानो नतक करो होती नरोपमत्तो गोपो एव गावो गणयम परेशम न भागवा सामयस्य होती। धर्मग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्मग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरों की गोवे गिनने, मतलब गाय गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमणत्व का भागी दारी नहीं होता। 20वीं गाता है, अपम पीछे सहितम भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागम च दोषम च पहाय मोहम सम्मप्पजानो सुविमुत्त चित्तो अनुपादियानो इधवा हुरम वा सभागवा सामयस्य होति। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इहलोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति न करता हुआ शमनत्व का भागी हो जाता है। ये 20 गाथा यमक वर्ग में आई हुई है, टोटल 20 गाथा है। तो हमें क्वेश्चन पूछे ऐसे जाते हैं कि एग्जाम में कि यमक वर्ग में कितनी टोटल गाथा है, तो अलग अलग से चार पर्याय दिए जाएंगे, 11, 12, 15, 25 या 20। तो जो चौथा पर्याय होगा 20 आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यमक वर्ग में 20 ही गाता है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग से, और ऐसे भी पूछे जाएंगे कि अपम पीछे सहितम भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। तो ये गाथा कौन से यमक वर्ग में, मतलब कौन से वर्ग में आती है, ये भी पूछा जाएगा, पर्याय दिए जाएंगे और उसमें से हमें एक सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अपम्पी चे सहितम भासमानो, और ये जो है ये गाथा, इसका ये पाठ नहीं दिखाया जाएगा। फिर बाद में रागम च दोषम च पहाय मोहम सपम्प जानो सुविमुत्त चित्तो, ऐसे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बीच में से जो गाथा आई है ये कौन से, ऐसे चार पर्याय दिए जाएंगे और उसमें से ये धम्मस्य होति अनुधम्मचारी ये गाथा दी जाएगी। तो हमें वो पर्याय से ढूंढ के करवाना होगा, ये गाथा है, टिक करनी पड़ेगी उसको, धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। ऐसे अलग अलग से क्वेश्चन हमें पूछ जाएंगे। अभी हम अगले वीडियो में जो है यमक वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, तो अपमाद वर्ग, अपमाद वर्गों का हम देखेंगे कि कैसा कौन सा आता है। धन्यवाद।